में ज्वाइन हूँ। मेरा वेट बहुत था, 100 केजी के नजदीक मेरा वेट था, और साथ में मुझे थायराइड और हाई बीपी का भी इश्यू था, और मैं वेट लॉस के लिए इसमें ऐड हुई थी। सच कहो तो मैं निगेटिव माइंड से मेरे ऐड हुई थी, लेकिन मेरे कोच ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, जिसकी वजह से मुझे जो पॉजिटिविटी आती है वो आई और मैंने ज्वाइन किया। और सबसे पहले मैंने वेट लॉस मैराथन ज्वाइन किया, और उसमें जो ये हमारे सेशन होते हैं, जो महत्वपूर्ण सेशन है हमारे, वो सेशन हमें बहुत हेल्प करते हैं वेट लॉस के लिए, जो मेरे साथ भी हुआ। मैंने फर्स्ट मैराथन में मेरे 8 केजी वेट लॉस किया था मेरा, और अब मैं 22 केजी मेरा अभी तक का मेरा वेट लॉस है, और अभी भी मेरी जर्नी चालू है, लेकिन अभी 22 केजी तक मैंने वेट लॉस मेरा किया है, और हेल्दी फैट लॉस हुआ है मेरा। और जो मेरे इश्यू थे, जो थायराइड और हाई बीपी का इश्यू था, वो भी काफी हद तक कम हुआ है। और उसमें अगर कहा जाए तो बीपी का मेरा टैबलेट बंद हो गया है, और थायराइड का जो था वो 50 mg से 25 mg तक हुआ है, और बहुत हैप्पी हूँ मैं इस फैमिली से जुड़ के। सो आई लव माई वेलनेस फैमिली। सो आज आप सबको पता है कि आज हमारा प्रोटीन का टॉपिक है, प्रोटीन का सेशन है, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उससे आपको लाइफ लॉन्ग कैसे प्रोटीन, क्या प्रोटीन आपको कैसे लेना है, और कैसे आपके वेट लॉस होने के बाद भी आप किस तरह से उस पर मेंटेन कर सकते हैं, इसका भी आपको नॉलेज मिलेगा। और एक बात कहना चाहूंगी, आपके कैमरा ऑन तो रखना ही है, आपकी लास्ट में अटेंडेंस ली जाएंगी। और दूसरी बात कि आप आपका एक पेन और डायरी आपके साथ में रखें, जो नोट्स निकाल सकेंगे आप, और वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। अभी मैं हमारे अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सुपर डुपर वेलनेस कोच और हमारे एक्सरसाइज और प्राणायाम के टीचर सिंघम सर, डॉक्टर आनंद मोरे। सो वेलकम सर, स्टेज इज योर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। जस्ट अ मिनट। थैंक यू शिल्पा मैडम, थैंक यू अलका मैडम, थैंक यू हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैडम। पर आज जो आप कहने जा रहे हो ना, वो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब आपके पास देखते रहने वाले हैं आज। यस सर, तो आज सबकी दिल की धड़कन जो रहता है वो जो प्रोटीन, उसके ऊपर ही सब हमारा सबकी आंखें टिके वाले रहती है। तो इसमें हम अच्छे से अच्छे आज अपना वैल्यू डिलीवर करने की हम कोशिश करेंगे, और आप लोगों के सभी जो मन में कुछ शंका कुशंका है वो भी सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, और शुरू करने से मैं बोलूंगा कि भिन्न आसुद्या भाषा, भिन्न आसुद्या वेश, एक संस्कृति एक गाने, भारत आमचा देश, भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो मैं डॉक्टर आनंद मोरे, मेरा MD आयुर्वेद मेडिसिन, योगा टीचर और इमरजेंसी मेडिसिन में, और पायल फिशर फिशुला में कुछ मेरे आधुनिक टेक्निक में मेरे कुछ डिग्रियां मैंने हासिल की है। तो मैं उस्मानाबाद परंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारा यहाँ पे 40 बेडेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कह के है, और जिसमें कोविड हॉस्पिटल भी था बीच में। और मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर इस पद पे 14 बरस से मैं काम करता हूँ। और मैं इस फैमिली से गए 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो हमारे मैडम ने इस फॉरम में ज्वाइन किया था, फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका इंच लॉस हो गया, फिर बाद में वेट लॉस भी अच्छे तरह से हो गया। उन्होंने 2 महीने में 12 किलो वजन कम किया था। पहले मैं भी वजन कम करने के लिए जिम करता था, योगा करता था, बाकी अलग अलग स्विमिंग करता था, कुछ फास्ट भी रखता था, लेकिन मेरा 87 जब वजन हुआ था, जो मेरा नॉर्मली चाहिए था 65 to 70, तो 87 kg था, तो 82 पे वो स्टक हुआ था। लेकिन जब मैं इस फैमिली में ज्वाइन होने के बाद सच में मुझे पता चला कि पहले मैं 70 to 80% व्यायाम करता था, और खान पान पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था।
तो फिर यहाँ पे आने के बाद जो भी मुझे प्रोटीन न्यूट्रिशन इसके बारे में भी जब पता चला, और इस फोरम पे 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, इसके ऊपर साधारण हलचली करके भी ये न्यूट्रिशन लिया, तो मेरा पूरा पेट भी जो बड़ा हुआ था पूरा वो भी कम हो गया, और अच्छी तरीके से तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। यस, तो मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं, स्क्रीन बड़ी होने के बाद फिर एक बार मुझे शेयर करना पड़ेगा बड़ी स्क्रीन। यस, वेरी नाइस। ओके, तो ये हमारे कोच जो डॉक्टर रमा मोरे मैडम, जो हम सब एक साथ जो जुड़े हुए हैं टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, जो आवर पर्पज, जैसे हमने बोला है कि मैं सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करूंगा जो सबका मालिक एक है, कि दुर्तांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जोजे वांचिल तोते लाहो प्राणी जाता। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो भी आप हेल्थ गोल लेके यहाँ पे आए हुए हो, तो वो सभी हेल्थ गोल आपके वो पूरे करे, मैं इतना उससे प्रार्थना करूंगा। तो फिर बाद में ये हमारे कुछ पहले के मोंटस को मैं पहले नमन करता हूँ, जो हमने ये अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कि जिसमें हम मैंने बताया था कि 87 मेरे वजन था, और हमने अच्छी तरीके से, मैडम ने भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और ये जो हमारे पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और जैसा ये देखिए कि मेरी अवस्था कैसी थी, कि हाथ पाई दिस्ती काड़ा पोटे भाषे जैसा नगरा, ऐसी अवस्था हमारी थी। तो इस फैमिली में जुड़ने के बाद मेरा तो हेल्दी फैट लॉस तो अच्छी तरह से हो गया, लेकिन उसके साथ मैं मसल गेन भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से हो गया। यानी पहली मेरी अवस्था ऐसी थी कि मुंह में चबा के खाए हुए चिंगम से लेके अभी जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ परोपकारी सिंगम तक, तो वैसी जो मेरी अवस्था हुई है, तो मैं इस फोरम का और मेरे मेंटर्स का मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि जिससे सभी ने ये सपोर्टिव कम्युनिटी में मुझे सपोर्ट किया। कि जैसे ही मैंने आपके जैसे ही 4 वेट लॉस मैराथन मैंने पार्टिसिपेट किया था, किसी वेट लॉस मैराथन में मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन मेरी दौड़ और मेरी कंपटीशन मेरी खुद से थी, और मुझे रात दिन पेशेंट सरकारी दवाखाना लिखान किताबों का इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन इस फोरम में जो भी बताए हुए वेज थे उसके ऊपर मैंने अमल करके मेरा ये धीरे धीरे वजन करके 4 वेट लॉस मैराथन के बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से अच्छी तरह से हो गया। तो मैं सबका कौतुक करता हूँ कि आप सभी ने वेट लॉस मैराथन में जो पार्टिसिपेट किया है, तो उसके वजह से आपका जो भी सब, मैं आपको एक सुज्ञ सुजान सुविद्य नागरिक कहूंगा, कि जैसे ईगल पक्षी जो रहता है वो उसका 70 ईयर्स अगर लाइफ रहता है, तो 35 ईयर्स होने के बाद वो खुद को एक बड़े चट्टानों में खुद को ढक लेता है, फिर बाद में खुद की चोंच, हाथ के जो नाखून है, जो पंखुड़िया है, वो सब निकाल के फेंक देता है। फिर उसको ये होते टाइम बहुत दर्द होता रहता है, तपश्चर्या भी बहुत होती रहती है, उसमें रहती है उसकी। फिर बाद में जो नया उसका रूप आता है, नई चोच आती है, नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, तो उससे वो आगे की जिंदगी जो है वो बहुत सुंदर तरीके से वो गुजरता है और फिट एंड फाइन। वैसे ही हमारा जो 21 डेज मैराथन है, तो आप सभी लोगों का ये तपश्चर्या का दिन है। ज्यादा ज्यादा करके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही ये करके हमें ये इसका जो भी नॉलेज मिलता है वो खुद यहाँ पे आप में, खाली यही 21 डेज के लिए नहीं रहना चाहिए, तो ये नॉलेज हमें पूरा जिंदगी भर सिदूरी लेके हमें ये हमारे लिए, हमारे परिवार समाज और अपनों के लिए ये अपने साथ करके इसके ऊपर हम अमल करके फिट एंड फाइन जिंदगी भर हम रह सकते हैं। तो मैं सबका अभिनंदन और शुभेच्छा भी मैं व्यक्त करूंगा आप जो कर रहे हैं। तो ये हमने लिखा वाला किताब था, पुराना जो था, फिर अभी नया जो है वो आरोग्य का संविधान आ रहा है, और जिसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री जी से लेके सबके हमें आशीर्वाद मिल चुके हैं। आपके जैसा ही मैं जब फिटनेस लवर हो गया, तो मैं पूरे इंडिया में 33 फास्टेस्ट चैलेंज जो था उसमें मैंने टॉप किया था, फर्स्ट नंबर मुझे आया था जिसमें, और जिसकी वजह से मिलिंद सोमन जी जो पैशनेटेड एथलीट से हमारे, उनसे अच्छे तरीके से मेरा रिकॉग्नाइजेशन हुआ था। 2 घंटे हमने एक स्टेज पे चर्चा भी हुई थी, जो चर्चा बहुत सारे लोगों ने हमारी सुनी थी, जो लाइव भी हो चुकी थी, और बहुत अच्छे तरीके से मुझे किया। तो इस फोरम की वजह से हमें नाना तरीके के अवार्ड भी मिले हैं। तो
हमें पता है कि धीरे धीरे हम अभी प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं, कि अपना शरीर जो है मेन वो तीन चीजों से बना हुआ रहता है, जो हमारे शरीर का बेसिक अगर बोलेंगे मेन स्तंभ तो शरीर मन और आत्मा, ये तीन है। और जो उपस्तंभ है जो शरीर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसमें आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ऐसे है। तो जैसे भी रहता है कि जो हमारा शरीर रहता है उसके संस्कृति क्या बोलती है कि शरीरेति शरम, यानी क्षणाक्षणाला जो जीतते चला जाता है, जो कम होते चला जाता है वो शरीर, और जो हम पोषण और आहार लेते हैं उससे वो भरते रहता है। जैसे अगर दिया देखेंगे हम तो जलता रहता है, लेकिन वो जलता क्यों है कि उसमें इसमें तेल रहता है, वो तेल की वजह से वो दिया अच्छी तरह से जलता है और प्रकाश देता है सबको। तो वैसे वो तेल जैसा काम हमारा शरीर करता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत रहती है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से वो गाड़ी चलती है, वैसे भी हमारा शरीर चलाने के लिए जो हमें एनर्जी लगती है, जो कैलोरीज लगते हैं, तो वो सब हमें आहार से मिलती है। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि हमारे पूरे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं और एवरी लिटिल इंजन्स नीड 114 न्यूट्रिएंट्स एवरी डे, यानी 114 प्रकार के घटक हर एक हमारे शरीर को लगते हैं, जिसमें प्लांट प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, ऑयल, फाइबर, हर्ब्स, वाटर, ये अलग अलग नमन की जैसे है। तो उसको जो भी एनर्जी लगती है तो इन फूड में के अपने पोषण को वैसे मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक दो मिनट में ये शेयर करना चाहूंगा, कि जो हमारे पृथ्वी पे जो भी कुछ एनर्जी पैदा होती है वो सूरज से भी हमें मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कि सोलर एनर्जी, लेकिन डायरेक्ट सोलर एनर्जी का यूज करके हम हमने अपनी एनर्जी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो वनस्पति रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वो अपने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इसके द्वारा वो उसमें रखती है। जब हम वो खाते हैं तो हमारे पाचन संस्था से उसमें वो कन्वर्जन हो जाता है। देखिए कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसी रहती है, कि रूट में से जो भी है वाटर वो खींच लेता है, वो वाटर का जो भी है ऑक्सीजन और कैमरा माइक चालू है वो जरा यस। तो ग्रेट, तो हमने ये देखा था कि जैसे ही लाइट एनर्जी में रूट से जब H2O यानी वाटर अंदर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये रिलीज हो जाते हैं, और सनलाइट के इसमें जो प्लांट के अपने क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि जब हमारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जब वो पत्तों से खींच लेता है और ऑक्सीजन H2O का ऑक्सीजन वो छोड़ देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में का बचा वाला O ये दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट ये बन जाता है, जैसे H तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मिलके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और उसके ऊपर आगे चल के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी में से हमें ये आहार में जो हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन ऐसे है। तो जैसे ही पोषक पदार्थ है न्यूट्रिएंट्स कि जैसे जीवों में भिन्न प्रकार की जीवों में भिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शंस को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मेटाबॉलिक एक्शन में उनके अच्छे तरीके से ये होता है, शरीर की टूट फूट और जो मरम्मत रहती है वो भी ये सब करते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो प्रोटीन। देखिए कि द वर्ड्स प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस व्हिच मींस प्राइमरी और इन द लीड, यानी सबसे पहले जो लीड लेता है, जो प्राइमरी जो इसेंशियल है उसको प्रोटियोस बोलते हैं। तो उससे वो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से प्रोटीन ये वर्ड आया हुआ है। तो उसमें समझ में आता है कि प्राइमरी या लीड लेने वाला इसका मतलब इसका कितना इसेंशियल हमारे बॉडी में है इससे हमें ये पता चलता है। देखिए क्या प्रोटीन में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो बर्जिलियस ने किया था प्रयोग, तो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयन ज्यादा करके रहता है, कि जिसमें 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरीज जो निर्माण होती है, जो प्रोटीन हमारा रहता है वो शरीर वृद्धि, शरीर की मरम्मत, जीव जैविक क्रियाओं में इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन करना और शरीर की मरम्मत करना। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसमें 20 अमाइनो अम्लों से मिलकर ये प्रोटीन बना हुआ है।
मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए कि अभी जो कार्बोहाइड्रेट है, जब शरीर को एनर्जी लगती है तो सर्वप्रथम वो कार्बोहाइड्रेट लेता है, फिर बाद में जो हमारा जो जैसे हम बोलते हैं कि जो एनर्जी नॉट टू बी क्रिएटेड और नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो क्या होता है कि जब कैलोरीज हम ज्यादा लेते हैं, जैसे कैलोरी मैनेजमेंट हमने देखा था, तो वो क्या होता है कि वो कैलोरीज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में यानी फैट में कन्वर्ट होकर शरीर में रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले यूज होता है शरीर में डे टू डे लाइफ में, अगर वो कम पड़ा तो फिर फैट का कन्वर्जन जो है ग्लूकागन वो जाके उसका फैट का कन्वर्जन उल्टा करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर हमें काम में लाता है। लेकिन थर्ड जब वो एनर्जी लगती है तो वो प्रोटीन जब काम को आती है, तो सबसे पहले लेकिन प्रोटीन ही इसेंशियल है सबसे ज्यादा। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसेंशियल क्यों है, देखिए कि प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर में जो जीतते चला जाता है बार बार वो कम होते चला है, उसको रिप्लेस करने के लिए, सेल को रिप्लेस करने के लिए और हमारा शरीर को स्ट्रक्चर बनाने के मरम्मत करने के लिए ये हमें प्रोटीन उपयोगी पड़ता है। ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी जैसे ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूड प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज एंड एनर्जी। इम्पोर्टेंट कैलोरी जो हमको लगती है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन भी है। बोथ प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड फूड्स प्रोवाइड्स प्रोटीन, दोनों में ही प्रोटीन होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी में क्या होता है, समझो किसी को प्रोटीन डिफिशियंसी रहती है तो लॉस ऑफ मसल टोन, यानी मसल जैसे हाथ पाए दिस्ती काटा पोटे भाषे से नगारा जैसी मेरी अवस्था हुई थी, तो वैसे लॉस ऑफ मसल टोन में रहता है कि हम ज्यादा खान पान पे ध्यान नहीं देते या क्वालिटी युक्त जो खाना रहता है वो हम नहीं खाते और जैसे उसमें तो कन्फ्यूजन होते रहता है। स्लो वुंड हीलिंग, कभी लगा तो जल्दी हीलिंग नहीं होती हमारे वुंड की। इरिटेबिलिटी बढ़ती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है। फूड क्रेविंग यानी सबको खाने की बार बार छोटे बच्चों में ज्यादा करके ये स्नैकिंग की क्रेविंग की जो हमें आदत रहती है तो वो प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। टू एसिड और टू अल्कलाइज हमारे बॉडी का होता है और लो लिबिडो जैसे सेक्स में इधर उधर भी उसका प्रॉब्लम हो सकता है। फटीग मसल वीकनेस थिन हेयर वीक नेल्स यानी प्रोटीन से ही जो हमारे हेयर्स नेल्स बनते हैं वो भी वीक होते चले जाता है। तो देखिए कि जो भी हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन सबसे कम रहता है यह ऐसा रिसर्च है कि हम जो खान पान लेते हैं ना तो उसका हमने देखा है कि कैसा वो ग्रोइंग होता है, कैसा स्टोरिंग होता है, कैसा उसका कुकिंग होता है, फिर लोक संख्या बढ़ उसके वजह से भेसल, इसमें कहीं पर भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू शिल्लक नहीं थी। ज्यादा करके जो हमारे शरीर को प्रोटीन लगता है बिल्डिंग ब्लॉक के लिए, तो वही उसमें लैक होता है हर इंडियन में खाने में। तो ये देखिए कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसा छपा है कि 73% अर्बन रिच इंडिया प्रोटीन डिफिशियंसीज, यानी 73% लोगों में या हमारे खान पान में ये प्रोटीन डिफिशियंसी होती है और उससे अलग अलग नमूने की बीमारी हमें इसमें पैदा होती रहती है। कि हमारे पूर्वज देखिए वही खाना खाते थे, हम भी वही खाना खाते हैं, लेकिन कैसा है कि पहले सेंद्रिय खतों का ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होता था और जिसकी वजह से सेंद्रिय खतों के यूज की वजह से वो अच्छा उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज रहते थे। पहले जो ये था कि पूरे बरस में दो ही पिक लिए जाते थे, अभी तो बार बार लोक संख्या की वजह से उसमें रासायनिक खतों का यूज करने की वजह से ज्यादा ज्यादा उत्पन्न लेने के चक्कर में न्यूट्रिटिव वैल्यू छूट गई है और हमारे खाली क्वांटिटी बढ़ी हुई है। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा खान पान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम अपने फोरम पे जो हमारा सुंदर सा न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, शेक लेते हैं, तो उसमें 80% न्यूट्रिशन मिलता है, थोड़ा सा जो हमारे फोरम पे व्यायाम करते हैं 20%, उसकी वजह से हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के हम फिट एंड फाइन बनते हैं। तो हमारे शरीर को लगता है कब प्रोटीन, तो डेली न्यूट्रिशनल लीडिंग, जैसे हम सांस लेते हैं तो वैसे ही 1 जनवरी से लेके बरस में 31 दिसंबर तक हर रोज इसकी जरूरत हमारे शरीर में रहती है। तो व्हाट इज प्रोटीन, जब देखेंगे हम प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक्स यू इनटू हु यू आर, डू ऑल काइंड ऑफ जॉब्स इन बॉडी, मेक अप योर हेयर्स नेल्स बोन मसल, यानी सब तरह के जो काम कार्य करने में हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है और वो प्रोटीन का ही जो हेयर्स है, नेल्स है, बोन्स है, मसल्स है, उससे ही बनते हैं। The gives tissue and organ their shape and strength, यानी हमारे बॉडी को जो शेप और स्ट्रेंथ आता है वो प्रोटीन से ही हमें मिलता है। तो प्रोटीन जैसा है कि प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज एसेंशियल टू बिल्डिंग मसल मास, यानी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ज्यादा लगने वाला हमारी बॉडी को,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसा क्या रहता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिनरल्स वगैरह बाकी जैसी चीजें रहती है, मैक्रो यानी ज्यादा करके। इट इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आयंस। तो इट इज ओनली न्यूट्रिएंट्स वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। जैसे देखिए नाइट्रोजन इसी में ही प्रेजेंट होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नाइट्रोजन हमारे कौन से सप्लीमेंट में है, आपको याद है क्या कि नाइटवर्क में नाइट्रोजन अच्छा मिलता है और हमारे प्रोटीन शेक में, क्योंकि हमारे प्रोटीन जो रहता है उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन ये जो इन्फ्लामेशन से बॉडी में रहता है, पहली बार जो इन्फ्लामेशन होता है और उससे ही डिसीज का शुरुआत होती है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, वो वेजोडायलेशन काम करके पूरे बॉडी में ऑर्गन में टिश्यू में सर्कुलेशन अच्छी तरह से पैदा करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, अच्छी तरह से हमारा अलर्टनेस रखता है, इतना इंपॉर्टेंस नाइट्रोजन का है। इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 20-50% एनर्जी टोटल रिक्वायरमेंट। हमारे जो डे टू डे लाइफ में है वो 50% से भी ज्यादा हमारे शरीर में बॉडी वेट का वजन भी उसका रहता है और हमें उपयोगी पड़ता है। तो इट फंक्शन में क्या है, इट प्रिवेंट्स अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स, जो हमारे शरीर में एंजाइम्स रहते हैं कि जो हर एक मेटाबोलिज्म में उपयोगी पड़ते हैं, तो प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। प्रोटीन इज ए न्यूट्रिएंट्स नीड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ऐसे ही हमें पता है प्रोटीन कैन बी फाउंड इन ऑल सेल्स, जैसे सेल का निर्माण तत्व वगैरह, बाकी जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सभी प्रोटीन से ही बनता है। तो व्हाई डू वी नीड प्रोटीन, एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। यू नीड प्रोटीन इन यूर डाइट टू हेल्प, बरोबर। ये अभी हमने देखा है, रिपेयर सेल्स, मेक न्यू वंस, और दूसरा ग्रोथ डेवलपमेंट, स्पेशली चिल्ड्रन स्टीथ प्रेग्नेंट वुमन, इसमें ज्यादा करके ये इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें हम देखेंगे आगे कि जैसे इमरजेंसी एनर्जी जब हमें लगती है, तो मैंने बोला था कि प्रोटीन इज नॉट योर फर्स्ट और सेकंड चॉइस ऑफ एनर्जी, दिस रोल रिजर्व फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इन इमरजेंसी बॉडी कैन बैंक अपॉन दिस सोर्स और इमरजेंसी इसलिए, लेकिन इसका फिर ज्यादा करके क्या है, तो मसल बिल्डर, जो मसल हमें जो स्ट्रेंथ लगता है कि जो हमारे भाइयों में 33% से लेके 36 तक मसल रहते हैं और फीमेल जो रहता है उसमें 32-33%। तो जब हम करड़ा स्कैन मशीन पे जांच करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि हमारा मसल मास कितना है, तो वो नॉर्मलाइज करने के लिए ये मसल बिल्डिंग फॉर साइज एंड शेप ऑफ योर मसल। एज यू लूज वेट प्रोटीन प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लूजिंग मसल। इफ यू लिफ्ट वेट फॉर स्ट्रेंथ प्रोटीन इज द की टू बिल्डिंग मोर मसल्स। तो वैसे ये मसल बढ़ाने के लिए, और प्रोटीन जब हम रोज लेते हैं तो हमारे शरीर में कैसा है, बोन स्ट्रेंथनिंग। तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट इंप्रूव्स आवर बोन स्ट्रेंथ। बोन स्ट्रेंथ जो रहता है, नहीं तो क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, प्रिवेंट फ्रैक्चर्स। अगर कोई बंदा गाड़ी पे गिरता है या कुर्सी पे भी गिरता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है, क्यों, तो उसके हड्डियां जो है वीक हुए रहते हैं। रोज के खान पान में हमें उतना कैल्शियम, उतना प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता नहीं है, तो उसके लिए हमें अलग से सुबह का नाश्ता अगर हम ऐसे लेंगे तो हमारा बोन एकदम जबरदस्त होता रहता है। कि भागदौड़ मेरे से बहुत रहती है कि जब मैं सरकारी दवाखाने में जाता रहता हूँ तो यहाँ पे गर्दी रहती है, जब जाते जाते मैं अभी तक तो दो बार मैं मेरे स्कूटी पे गिर चुका हूँ। अचानक कोई तो सामने आता है गलती से, रॉन्ग साइड से, फिर ब्रेक दबाना पड़ता है। एक बार ऐसे उड़ के मुझे गिरना पड़ा, दो बार शर्ट वगैरह फट गया, लेकिन मैं कहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हो गया, क्योंकि हर रोज हमारे फोरम पे मैं सुबह में एक्सरसाइज और ये जो लेता हूँ उसके वजह से मैं फिट एंड फाइन रह चुका हूँ। तो नहीं तो कोई कोई ऐसा नहीं होता, तो इसलिए बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें ये चाहिए। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, जो हमारी इम्यून सिस्टम रहते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर की प्ले इन इम्यून सिस्टम्स। जैसे हमारे ब्लड में हम बोलते हैं ना, लाल पेशी है, जो सफेद पेशी है, जो पांडरा पेशी जो रहते हैं सफेद पेशी, उसमें WBC जो है उसमें आप बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उसमें जो मेन जो रहते हैं कि कभी भी हमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ कि सफेद पेशी बढ़े, हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसको फाइट करने के लिए हमारे शरीर में जो भी कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसके बदले में जितना प्रकार का इन्फेक्शन हो गया उतने WBC हमारे बढ़ते। जितना प्रकार का समझो गांव में कुछ दंगा हुआ, छोटा मोटा रहा तो एक दो चार गाड़ी, एक आधी पुलिस की गाड़ी आके उसको रोकती है, लेकिन अगर ज्यादा कुछ दंगा हो गया तो बड़े गाड़ी आके उसको प्रिवेंट करने के लिए मदद करती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में ज्यादा इन्फेक्शन, कितना इन्फेक्शन हो गया, तो ये हम लोग डॉक्टर लोग जो जांच करते हैं रिपोर्ट की, तो कितना WBC बढ़ा है, जो हमारी जो फोर्स है
प्रतिकार करने की जो क्षमता है आने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ, तो उसमें से हमें समझ में आता है कि कितना बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। तो WBC पे ऊपर हम वो सोचते हैं और या लाल पेशी कितना कम हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें एंटीबायोटिक भी उतना ही स्ट्रांग हम यूज कर सकते हैं, खाली वो हमारे पेशी को वो सपोर्ट करने के लिए। और वो पेशी क्यों कम होते हैं, इन्फेक्शन कम होने के बाद अपने आप पेशी कम हो जाते हैं, वो पेशी के ऊपर उपचार नहीं रहता, वो इनके इन्फेक्शन के ऊपर उपचार रहता है, और इन्फेक्शन कम होने के बाद अपना बॉडी सिस्टम अपनी कम कर देती है। तो वैसे ही ये इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से बढ़ के हमारे सफेद पेशी भी अच्छी, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो बीमार लोग है, जो बेड रिडन लोग है, उनको ये ज्यादा करके हमारा शेक उपयोगी पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहती है और हो चुका हुआ आजार भी झट से कम हो जाता है। कि जैसे हम प्रोटीन लेते थे, तो मेरा कोविड हॉस्पिटल था, सरकारी में भी कोविड पेशेंट थे और बाहर जो क्वारंटाइन किए कोविड थे, रात दिन वो कोविड पेशेंट में ये करते थे, हम अक्षरशः रात को रहते थे भी कोविड पेशेंट में, फिर भी आपके सदिच्छा और भगवान के आशीर्वाद की वजह से और अपने शेक के सपोर्ट की वजह से मुझे कोविड या मेरे परिवार को कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि शायद हो भी हुआ हो भी चुका होगा, लेकिन उसके सिम्टम्स मुझ में दिखे नहीं, क्योंकि ये शेक उसमें जो बड़ी वाली इम्यूनिटी वो मुझे सपोर्ट कर गई। थैंक यू, मैं इस फोरम का भी और अपने उस शेक का भी और मार्क्यूस सर का भी, जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज हमारे पूरे वर्ल्ड को दिया। तो ये जो प्रोटीन क्या करता है कि कट्स क्रेविंग्स, मैंने बोला है कि शाम में क्या होता है कि हमारा जो बड़ा बच्चा था, छोटा बच्चा था, कि वो क्या करता था कि हमारे साथ 9 बजे भी खाना खाया, तो थोड़ा बहुत तो हम पढ़ते थे, कुछ किताबें पढ़ने के बाद रख के हम जब सोते थे तो 11 बजे धीरे से उठता था और फिर मम्मी भूख लगी है जा कुछ तो खा, उसकी वजह से वो फ्रिज खोलता था, उसमें रखे वाले केक रहते थे या आइसक्रीम खुद ही बना के रखता था आइसक्रीम, तो वो सब खाता था। लेकिन जब से आपने यहाँ पे आने के बाद अपने फोरम पे उसका वजन ज्यादा रहने की वजह से उसको डायनोशेक, फॉर्मूला 1 भी थोड़े प्रमाण में और शेकमेट ये जब शुरू किया, तो उसके बॉडी में जब एक 15 दिन हो गया, पूरे शरीर में उसके जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुई थी, खड्डे पड़े हुए थे, वो सब भर के आने के बाद अभी वो क्रेविंग्स नहीं करता था। नहीं तो पहले वापस आया कि आपने मेडिकल में से चॉकलेट लाता था, बाकी कुछ भी लेता था, इधर उधर से जाते टाइम लेके जाता था, सब खाने पे उसका ध्यान था, इसलिए उसका वेट बहुत बढ़ चुका था, अभी वो नॉर्मल वेट में आया था। तो ये क्या होता है कि क्रेविंग्स आर डिफरेंट देन अ ट्रू नीड फॉर फूड, फूड से ये अलग है, ये कहां अपने पेट में से नहीं आता भूख लगी है बोल के, ये अपने ब्रेन में से आता है। जब कोई स्ट्रेस में रहता है, तान तनाव में, तो भी ये ज्यादा करके क्रेविंग्स में जाता है। गेटिंग मोर प्रोटीन हेल्प कर्ब दिस क्रेविंग्स पर्टिकुलरली लेट नाइट वंस, जो लेट नाइट में उसको भूख लगती है, किसी को उठ के खाना ही पड़ता है, फ्रिज खोलना ही पड़ता है, तो उनके लिए अपना प्रोटीन एक वरदान ठहरता है और जिसकी वजह से उनका कैलोरी मैनेजमेंट होती है जो फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्योंकि एक बार रात में सूरज ढलने के बाद ज्यादा करके पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, पीने का रहता तो कोमट पानी पीना चाहिए, हमें पता है, क्योंकि जो अपना सूरज ढलने के बाद हमारी शरीर की भट्टी बंद हो जाती है, जितना लेट खाएंगे हम उतना डंप होते चला जाता है और उतना फैट में कन्वर्ट होते चला जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से नहीं होता, मेटाबॉलिज्म भी हमारा ये निसर्ग के साथ बंद हुआ चुका होता है। तो वैसे ही बर्न फैट, हमें लगता था कि प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो हमें हमारा फैट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, ऐसा नहीं रहता है। मसल को स्ट्रेंथनिंग आने के बाद वो मेटाबॉलिज्म, जिसमें बोलते हैं हम कि उसमें अमीनो एसिड्स अच्छी तरह से सीक्रेट होने के बाद वो अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जिसकी वजह से जो शरीर में डंप वाला फैट है वो भी बर्न होते चला जाता है और द रेट एट विच यू बर्न योर कैलोरीज वो मेटाबॉलिज्म से बढ़ जाता है। You burn more calories even at rest, यानी rest में भी ज्यादा व्यायाम करे बिना भी हम अच्छे तरीके से metabolism boost करके हमारा fat dissolve करके हम normal weight में आ सकते हैं। देखिए protein का importance, heart helper, studies on proteins, particularly on plant proteins, देखिए show that proteins helps blood pressure decrease LDL, decreases LDL, low density lipoprotein जो रहता है वो हमारे शरीर को harmful रहता है, कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के वो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है जो हमारे मींदू में, जो हमारे हृदय में, ब्रेन में जाके वो जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें अड़थड़ा निर्माण करता है, वहां का सर्कुलेशन बंद होने के बाद हार्ट अटैक, पैरालिसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसे भी कहीं पे भी वो जाके ब्लॉकेज कर देता है। वही ब्लॉकेज जो कौन से भी ऑर्गन में होता है तो वो ऑर्गन की कार्यक्षमता कम होके हमें निगेटिव प्रेशर शरीर में आते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, ऐसा है उसमें बोला है। तो ये हार्ट हेल्पर इसलिए कि वो, और विशेषता इसमें देखिए पर्टिकुलरली ऑन प्लांट प्रोटीन्स,
ज्यादा करके अगर एनिमल प्रोटीन आप लेते हैं तो उसके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड जाता है, और पॉली जैसे बोलते हैं ना कि पॉलीसैचुरेटेड एसिड, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस ज्यादा होते हैं। और अपना जो प्रोटीन है वो प्लांट प्रोटीन है। आप हमें अच्छी तरीके से जो दिनचर्या जो चैप्टर लिया था हमारे हर्षित सर और भाग्यश्री मैडम ने, उन्होंने बताया था कि जिसमें अमेरिकन कॉर्न से लेके सोया प्रोटीन से लेके और मिल्क से एक्स्ट्रैक्ट कुछ निकाले बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन रहते हैं जो शरीर को हमें ताकत देती है। जब भी हम प्रोटीन अच्छी तरह से लेते हैं तो थोड़ा बहुत जो है इंजुरी हुई है, समझे बाहरी इंजुरी नहीं, जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, हमारे अभी वातावरण तो कैसा चल रहा है रेनी सीजन का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती रहती है, नाक में भी इन्फ्लेमेशन होता है, बारीक गसे में, छाती में, इधर भी थोड़ा बहुत जख्म इन्फेक्शन जैसे होता है, तो वैसे बाहर का इंजुरीज कम करता है, वैसे पेट में का भी जो इंजुरीज रहती है, अल्सर रहते हैं, बाकी कुछ भी, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करने के जल्दी से जल्दी वो भर के निकालता है। इट पावर्स फास्टर वन रिपेयर, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, देखिए क्रिएट न्यू टिश्यूज एट साइट ऑफ इंजुरी, कहीं पर भी इंजुरी होती है तो भी, जो सिगरेट स्मोकर रहते हैं, वो बाकी टोबैको चूअर्स रहते हैं, गुटखा खाते हैं, उनमें भी इंजुरी मुंह में होती है और फुफ्फुस में भी होती है, कहां पर भी चेस्ट में होती है, लंग्स में होती है, तो वो भी वो जल्दी जल्दी भर के निकालने में मदद करता है। मूव्स न्यूट्रिएंट्स, देखिए ये सबसे बढ़िया है कि इफ ब्लड स्ट्रीम्स इज कैनल, ये पूरा जो रक्तवाहिनी हमारे शरीर में रहती है, माइक्रो सर्कुलेशन अगर सब रक्तवाहिनी को हम जोड़ते हैं तो वो 80,000 किलोमीटर तक वो इतना जबरदस्त उसका लंबाई रहती है, लेकिन वो हर एक तरफ वहने का काम और हर टिश्यू को पहुंचाने का काम जो रहता है, प्रोटीन्स आर द कार्गो शिप्स, यानी प्रोटीन्स अपने साथ ये सब जो हमारे हर टिश्यू को या सेल को लगने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद के साथ लेके जाता है, कैरिंग विटामिन मिनरल्स शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, यस दे इवन स्टोर न्यूट्रिएंट्स एज आयरन, बरोबर। तो आयन जो हीमोग्लोबिन में जो हीम और आयन जो ग्लोबिन जो तैयार होते हैं उसके लिए भी ये प्रोटीन का इम्पोर्टेंस रहता है। देखिए यानी प्रोटीन का कितना इम्पोर्टेंस है हमें इससे पता चलाऊंगा। कैन यू गेट टू मच प्रोटीन, यस कभी कभी लगता है कि हम हमारे शरीर को हो सकता है उससे थोड़ा बहुत तो ये होता है क्या, लेकिन वो किससे होता है कि वो एनिमल प्रोटीन से होता है। एनिमल प्रोटीन से क्या होता है कि उसका जो वेस्ट निकलता है डाइजेशन के बाद वो शरीर को तकलीफ देता है। तो अपने फोरम पे जो भी कुछ हमारे प्रोटीन के बारे में जो निर्माण किया है तो वो 300 के ऊपर साइंटिस्ट, 50 PhDs और नोबेल पारितोषिक विनर जो हमारे डॉक्टर की टीम है सब, तो इन्होंने मिलके ये जबरदस्त हमारे शरीर का जो भी पीडी स्कैन जो स्कोर बोलते हैं हम, तो जिसका नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल में 1 रहता है, इसका भी 1 है, तो इतना ये रिसर्च करके मॉलिक्यूल निकाला है, तो उसमें कहीं पर भी किसी को कोई भी हार्मफुल या साइड इफेक्ट अभी तक दिखे नहीं है। लेकिन इसमें एक ही बात है कि जब हम अपने कोच से या अपने खुद के जो आईडी पे इसके ऊपर जो मंगा के हम खाते हैं तो नहीं है, लेकिन बाहर से अगर हम किसी अदर जैसे बोलते हैं ना कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इससे अगर थोड़ा बहुत सस्ता गिरता है बोल के मंगाते हैं तो वो सभी अच्छी चीजों का डुप्लीकेट है, आपको पता है, तो उसी में डुप्लीकेट आ जाता है और वही हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। तो हमें जो भी कुछ है वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वॉट आर द बेस्ट वेज टू गेट इट, कम इन लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, गो फॉर हेल्दी लो फैट सोर्सेस, प्लांट बेस्ड सोर्सेस सपोर्ट टू बी बेटर, जो प्लांट बेस्ड है जो हमारा यही है तो हमें इसके ऊपर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंस, देखिए बाय 1 ग्राम प्रोटीन वी गेट 4.3 कैलोरीज एनर्जी, यानी 4.3 कैलोरीज एनर्जी हमें 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है कि जो हमारे शरीर को उपयोगी है, जो हमारे मसल मास को बढ़ाती है। कहाँ से हमें प्रोटीन कैलोरी मिलती है ये इंपॉर्टेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट गुड कार्बोहाइड्रेट से मिलती है कि बैड कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, गुड प्रोटीन से मिलती है या किससे मिलती है, उसके ऊपर वो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जैसे होता है वैसे। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूज देर आर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, जो इसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं, दोज अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी एंड वी नीड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, ये हमारे शरीर में तैयार नहीं होती, वो बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दो शरीर में पैदा होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये कुछ 40 इयर्स के बाद वो भी पैदा करने कम कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो पैदा होने की है और क्वांटिटी वो भी कम होती जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारे शेक में
और जो विटामिन की टैबलेट हम लेते हैं तो उसमें पूरे विटामिन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भर के हुए हैं, तो जो हमारे शरीर को लगता है वो वहां से मिलता है। देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड और कंडीशनली नॉन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो भी है कि जो इसका जो 20 अमीनो एसिड पूरा एक आप स्क्रीनशॉट लेके उसका देख सकते हैं कि बाद में कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से नॉन इसेंशियल है ये भी इसमें सब बताया गया। तो ये सब का भरा हुआ अपने एक मिल इन द ग्लास में सब है। अगर प्रोटीन के हम स्रोत देखेंगे ज्यादा करके तो शाकाहारी स्रोत क्या है तो सोयाबीन है, दूध है, मसूर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये अपने वेजिटेरियन सोर्स से। और मांसाहारी स्रोत अगर देखेंगे तो मांस है, मछली है, अंडा है या क्रूड जो रहता है जो लीवर बोलते हैं उसमें, वो उसमें ज्यादा करके प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे, सेल प्रोटोप्लाज्म टिश्यू निर्माण है, पढ़ने शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन से त्वचा, रक्त, मांसपेशियां, हड्डी, सेल के विकास में के लिए आवश्यक होता है, अनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी वो करते हैं कि जो हेरिडिटरी जो भी हमें ट्रांसफर होते हैं आरएनए डीएनए जो भी रहता है तो प्रोटीन के अमीनो एसिड से ही बनते हैं और ये कंडक्शन का ही बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देखिए प्रोटीन अगर शरीर में कम पड़ने के बाद स्पेसिफिकली बच्चों में जो क्वाशियरकर और मैरास्मस नाम की बीमारी हो जाती है कि जो अफ्रीका देशों में जहाँ कहीं पर भी क्या बोलते हैं उसे हम दुष्काल रहता है वहां पे, तो वहां पे जो खान पान अच्छी तरह से नहीं होता है, जो उनको खाने में भी नहीं मिलता है, तो उन बच्चों में जैसे दिखते ना कि हाथ पाए दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे जैसा नगरा वैसे इनकी अवस्था हो जाती है। और इसमें क्वाशियरकर में 1 से 4 बच्चों में अधिकतर ये दिखाई पड़ता है जिसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने पर यह होता है। शरीर की बनावट तंदुरुस्त पर अंदरूनी संरचना का बिगाड़ हो जाता है, वृद्धि में रुकावट आ जाती है। और दूसरा अगर बोलेंगे मैरास्मस ये नाम की बीमारी है, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती है, म्हणजे हाता पाया जैसे छातीचा पिंजरा दिसतो, हात पाय किती बारीक झालेले आहेत बघा, आणि पोट देखील वाढलेलं असतं, चेहरा वगैरे सगळा, हे सब प्रोटीन डिफिशियंस की माल न्यूट्रिशन की ये है। और इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ये रहता है, उसकी वजह से उसको सुकड़ी बोल के पहले मिलता था वो खाने के लिए छोटे बच्चों के वास्ते। तो कैलोरी के साथ मैरस में प्रोटीन की कमी रहती है, उसमें ये वजन कम होता है, भूख में कमी होती है, जैसे अतिसार लूज मोशन छोटे बच्चों में रहते हैं, दांत की बनावट बिगड़ जाती है, उनकी दांत अच्छी तरह से नहीं आते हैं, फेस उसका मुनशेप गोल आकार बन जाता है, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, डिप्रेशन में बच्चा रहता है। तो देखिए बच्चों को न्यूट्रिशन या अपना प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्डिंग ब्लॉक का वो काम करता है। जैसे बड़े बिल्डिंग को बनाने के वास्ते जो अच्छा वीट, वालू, सीमेंट, पानी, इसका सबका अच्छा मिश्रण रहता है, तभी बड़ी बिल्डिंग बनती है। तो बच्चों में ज्यादा करके हमारा ये जो प्रोटीन है कि जो डायनोशेक, तो डायनोशेक में क्या है तो उसमें जो वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन, तो डायनोशेक में कैसिन प्रोटीन है, तो बिल्डिंग ब्लॉक और वजन बढ़ाने का काम अच्छी तरह से करता है। तो अभी देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस कुछ मन में सबके पैदा होते हैं, तो हम वो क्वेश्चन लेंगे क्या, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक द प्रोटीन। सभी लोग बोलते हैं कि कब अच्छा टाइम है ये प्रोटीन लेने का। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट ऑन द प्लैनेट, और हमारा जो ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट एडवांस्ड मशीन ऑन दिस प्लैनेट, तो उसको चलाने के लिए जो भी कुछ अच्छा फ्यूल लगता है तो वो हमारा फ्यूल है और उसमें ही अपना प्रोटीन। दिस डिपेंड ऑन, देखिए कौन सा अच्छा टाइम है, दिस डिपेंड्स ऑन यू हेल्थ एंड फिटनेस गोल, आपके गोल क्या है, डिपेंड्स ऑन वेदर यू वॉन्ट टू लूज वेट, बिल्ड मसल और प्रिजर्व मसल, उसके ऊपर अवलंबन है कि हम कब ले सकते हैं। जिसको कई मसल को बढ़ाने का है तो वो रात को सोते समय भी ले सकता है और सुबह में भी ले सकता है, तो उसमें अपना ये जो वे प्रोटीन है वो छोड़ के केसिन प्रोटीन डायनोशेक वो अपने फॉर्मूला और शेकमेट के साथ ले सकता है। तो वैसे ही आपने शुड यू टेक प्रोटीन बिफोर बेड, देखिए बिफोर बेड के सामने यस, टेकिंग प्रोटीन बिफोर बेड मे बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू हेल्प मसल बिल्डिंग, इनक्रीज स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। Elderly pupils looking to preserve muscle mass may also benefit for taking protein before bed. यानि क्या है कि जिसको muscle mass बढ़ाने का है, जिसको stamina increase करने का है, जिसको performance बढ़ाने का है, अगले दिन जिम में जाके मुझे परफॉर्मेंस अच्छा बनाने का है तो भी शाम में ले सकते हैं। और जो भी ज्येष्ठ नागरिक है अबाउट 60 तो उनमें क्या होता है कि पचन शक्ति कम होती है, तो वो शाम में जैसे सूरज ढलते वैसे खाना खा सकते हैं थोड़ा बहुत।
और रात में सोते टाइम 9 बजे थोड़ा सा जो शेक है वो हम ले सकते हैं, जिसकी वजह से रात भर हमें वो न्यूट्रिट्यून की वजह से मसल भी रेस्ट के इसमें अच्छे तरीके से वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम अच्छे तरह से करते हैं। और जब सुबह में नाश्ते में हम ये लेते तो डे टू डे लाइफ में जो दिन भर हम काम करते तो उसको एनर्जी पैदा करते और एनर्जेटिक हम रहते, अब जिसकी वजह से हम दिन में कभी भी जब हम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही हम कहते हैं, क्योंकि ये सात्विक आहार है, सात्विक प्रकाशक रहते हैं और जो शरीर को तंदुरुस्ती और स्टेमिना हमें पैदा करता है। अभी देखिए, इज टू मच प्रोटीन बैड फॉर यू, अभी हमने ये देखा है कि 74 स्टडीज किया था जिसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से उनको देने के बाद भी उनको कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं हो चुका है। देखिए, लेकिन जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन रहता है वो थोड़ा बहुत शरीर को तकलीफ देता है और कोई एविडेंस हमें हमारे शेक से अभी तक तो नहीं मिला है कि ऐसा है कि जिसको किडनी की बीमारी है उसको भी फॉर्मूला और शेक में अगर हम शुरू करेंगे तो भी उसको तकलीफ कुछ होता नहीं है। जिसको प्रोटीन पाउडर जो हमारा है वो छोड़ के बाकी का भी हम सप्लीमेंट उसमें ज्यादा करके यूज कर सकते हैं। इट्स जो भी है ये मिथ्स है, मिथ्स दैट प्रोटीन इज बैड फॉर यू इज लार्ज ओवरब्लो। Plenty of evidence suggests that healthy adults can eat larger amount of protein without expecting any harmful side effect. यानि कौन से भी harmful या side effect हमें होते नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा हम 1.2 gram protein अगर हम अच्छा exercise करते रहे तो हमारी body को रहता है और हमारे खान मार्ग में वो मिलता नहीं है। जब हमारा shake हम लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन हमें ज्यादा ज्यादा वो जाता है, तो 2 टाइम अगर शेक हम लेंगे तो 60 ग्राम हमें मिलता है। अगर वजन हमारा अबो 60 रहता है तो हमें 2 टाइम फ्यूल लेना पड़ेगा, ये देखिएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा देखिए प्रोटीन, द बॉटम लाइन क्या है, प्रोटीन इज एन इनक्रेडिबल वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट। जो वर्सेटाइल है यानी सभी में इसको यूज करना पड़ता है, ये शरीर का एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, फैट लॉस बिल्ड एंड प्रिजर्व मसल्स इसमें भी। और जो हम कंज्यूमिंग करते हैं प्रोटीन उसके वजह से क्या होता है कि मिल जो हंगर रहता है हमारा वो भी सप्रेस हो जाता है और जो भी हमारे 2 मील में का जो अंतर है वो अच्छी तरीके से रहता है और क्रेविंग हमारे कम हो जाते हैं। व्हाई डू वी ईट प्रोटीन, तो हमने देखा ही है कि कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल उससे ही बना हुआ रहता है, प्रोटीन टू मेक एंजाइम हॉर्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक बोन्स मसल कार्टिलेज स्किन एंड ब्लड, ये भी हमें पता है। ईट यू प्रोटीन फर्स्ट, देखिए कोई बोलता है कि सुबह में उठे उठे हम प्रोटीन ले सकता है क्या, देखिए कि इन एडिशन हाई प्रोटीन इंटेक डिक्रीजेस लेवल ऑफ द हंगर हार्मोन घरलिन। घरलिन नाम का एक जो हार्मोन सीक्रेट होता है वही हमारे पेट में, तो वो ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे क्रेविंग करना है, मुझे ये करना है। लेकिन जब प्रोटीन हम लेते हैं तो हमारे ब्रेन के पास एक स्टिमुलेशन जाता है कि हमें सब कुछ मिल गया है, मन भी हमारा तृप्त होता है, शरीर भी हमारा तृप्त होता है ये डिलीशियस ये लेने के बाद। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग स्लीप आल्सो। व्हाट्स मोर, ईटिंग प्रोटीन फर्स्ट कैन हेल्प कीप यू ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई आफ्टर अ मील। क्या होता है कि हमारे मील में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर ज्यादा उसमें रहने की वजह से या अपने आप चपाती भी खाते हैं तो उसमें भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है और खाने के बाद इंसुलिन इतना बढ़ जाता है कि देखिए पोस्टप्रांडियल जो हम शुगर लेते हैं वो ज्यादा बड़ी वाली रहती है और शुगर में जो फास्टिंग रहता है वो शुगर कम होती है रहती है, तो ये जो बैलेंस है वो बिगाड़ने का काम नहीं होता ये प्रोटीन लेने के बाद। तो ये हाई राइजिंग जो अपना इंसुलिन लेवल है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि कैन हेल्प यू फील फुल एंड कीप ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई, तो हमारा बॉडी नॉर्मल रहता है। अभी देखिए लास्ट में, हैव अ प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट। यस, तो क्या है कि शेक ऑफ ये हैविंग अ प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट हेल्प यू स्टार्ट द डे ऑफ राइट। सोया एंड व्हे प्रोटीन मे बी द बेस्ट टाइप ऑफ यूज जिसमें भी, तो इसलिए ये अच्छी तरीके से हमें शुरू हो जाता है। तो हमारे इसमें जो भी है वेगन प्रोटीन्स जो हम बोलते हैं तो इसके साथ किस में मिलते हैं, टोफ में है, पम्पकिन सीड है, सोयाबीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, सीसम सीड्स है, क्विना, स्पिनेच, ये जो है ये सब इसमें, ओट्स वगैरह बाकी इसमें, तो हमें वेगन प्रोटीन्स मिलते हैं। तो जो हाई प्रोटीन किस में ज्यादा करके रहता है, जो भी सालमोन फिश है उसमें ज्यादा करके प्रोटीन रहता है 20 ग्राम पर 100 मिलीग्राम में, चिकन ब्रेस्ट जो भी है वो जो अपने टूना वगैरह बाकी जो ग्रीक योगर्ट में है, चीज है, एग्स में ज्यादा है,
किडनी बीन्स, ग्रीन पीस, वटाना, लेंटिल्स, चिक पीस, इसमें भी। तो अभी ये थोड़ा बहुत किसमें ज्यादा रहता है कि 100 ग्राम अगर ये फूड लेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें रहता है, तो सोयाबीन में। इसका हम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस्मा कितने हैं। चीज में पर 100 ग्राम में 30.9 ग्राम, पंपकिन सीड में 28 ग्राम, जो भी है लोबस 26 में, टूना फिश 26, जो भी है मंकी फिश 24, क्रश पीनट बटर इसमें 24, स्किनलेस चिकन ब्रिस्ट जो रहता है 23.5, जो लेग पीस रहता है उसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, लेकिन उसके साथ जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड जो बोलते हैं हम, उसमें जैसे चर्बी जाती है कि वो शरीर में लो कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हम बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक वगैरह बाकी आ सकते हैं जैसे। इसलिए ज्यादा करके हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे ज्यादा करके डिपेंड रहना चाहिए फिट एंड फाइन लॉन्ग टर्म रहने के लिए और कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए। सनफ्लावर सीड्स में देखिए, आलमंड्स में देखिए, क्रेब में कितना है 18, एग्स में 100 ग्राम जो रहता है उसमें 12.5 ग्राम प्रोटीन रहता है, पास्ता में देखिए 12.5, कोटेज चीज, टोफू, होल ग्रेन बटर, जैसे ये देखिए ब्राउन राइस में 6.9 जो है वो, और जो अपना पॉलिश राइस है सर ने बताया था अपने दिनचर्या लेक्चर में कि ज्यादा करके पॉलिश राइस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें का फाइबर निकला होता है, लेकिन जो साटे साड़ी का तांदूल जो ब्राउन राइस बोलते हैं उसमें वो ज्यादा खाओ। ब्रोकोलीन है, कोकोनट है, होल मिल्क, एस्पेरागस, स्पिनेच, पोटैटोज देखिए 2.1, एवोकाडो 1.9, बनानास 1.2, ऑरेंज इसमें भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और हाई प्रोटीन फूड्स सॉर्टेड बाय टाइप हमने देखा है वही है, इसमें सोया मिल्क इसमें नया आया है कि एक कप में भी 6 to 10 ग्राम, सोयाबीन ज्यादा करके यही है, एग्स है, मिल्क है, योगर्ट वही है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसमें डिवाइड क्या है, नट्स क्या है, चिकन क्या है, तो आलमंड में ज्यादा करके 1/4 कप में, पाव कप में कितना है 8 ग्राम, एक कप में कितना 832, 32, कैशव नट जो है उसमें भी 5 ग्राम है, लेकिन उसके साथ थोड़ा उसमें फैट भी आता है। पीनट बटर, बाकी सनफ्लावर सीड्स ये देखिए इसमें क्या क्या है, चिकन ब्रेस्ट में है 30 ग्राम, चिकन थिंग्स वगैरह बाकी ये सभी, टूना फिश वगैरह बाकी अभी हमने देखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे कि एक अगर हम देखेंगे सबसे अच्छा प्रोटीन किसमें है और सबसे बैड किसमें है, तो गुड प्रोटीन जो है जो हमारे बीन्स में है, लेजुमेंस में है, एग्स में है, सी फूड में है। जब हम पहले देखेंगे तो ये बीन्स और लेजुमेंस में ज्यादा करके आता है और फिर बाद में सेकंड जाता है क्योंकि उसमें फाइबर भी अच्छा रहता है, और एग्स में बाद में आता है, फिर बाद में सी फूड। अभी बैड में अगर कोई देखेंगे तो पोर्क और सोसेज यानी सुअर का मांस जो रहता है उसमें सबसे बैड प्रोटीन्स बोला है, और इसलिए हमारे मुस्लिम बांधव है उनको ये पसंद नहीं रहता वो बराबर है। फिर बाद में रेड मीट भी है उसमें सेकंड टाइम, उसमें साथ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जाता है वो तकलीफ देता है, प्रोटीन बार जो बनाए रहते ना वो वही इससे बनाया रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि उसमें क्या यूज किया रहता है, तो वही रेड मीट या पोर्क ज्यादा करके यूज करके वो प्रोटीन बार बनाए हुए रहते हैं तो उसकी वजह से तकलीफ। लेकिन जो हमारे फोरम पे ऊपर जो भी प्रोटीन बार मिलता है जिसका जो चॉकलेट रहते हैं वो सबसे बढ़िया रहता है और जिसकी वजह से वो पूरे न्यूट्रिशंस, इसलिए जो भी कुछ हमारे शरीर को अच्छा है, जो हमारे शरीर को नेचुरल है, जो हमारे शरीर को जो भी फैमिलियर है उससे सब साइंटिस्ट ने बना के ये जो प्रोटीन और मिल्क जो शेक हमें दिया है, तो ये इसलिए वर्ल्ड नंबर वन उसको उसने बोला कि जो वन मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे वरदान है हमारे इसको। तो देखिए कि जो हमारे शेक में जो भी है वो आइडियल मील रिप्लेसमेंट जिसमें प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कैलोरी फैट और सोडियम कम है, और 19 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स है। ये सेलुलर न्यूट्रिशन करके वो वेट मैनेजमेंट का काम करता है। देखिए वेट मैनेजमेंट ये कोर प्रोडक्ट है हमारा जो फॉर्मूला वन, वो वेट मैनेजमेंट मेंटेन भी ठेवता है, जो इम्यूनिटी बढ़ा के हमारा जो कम है वो बढ़ाता है और जो ज्यादा हुआ है वो भी कम करता है, जो जिसके साथ हम जो यूज करते हैं डायनोशेक और प्रोटीन उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन होके, तो इसका वन शेक में वो 90 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें देता है, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से वो हमारा इंसुलिन भी ज्यादा करके सिक्रेट नहीं होता है। तो ये देखिए बूस्ट योर प्रोटीन इंटेक, ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो हमारा रहता है तो उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन जो रहता है, तो उसकी वजह से हेल्प यू फील फुल एंड कीप यू फ्रॉम गेटिंग हंगर।
प्रोवाइड्स 5 ग्राम ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन हर एक सर्विंग में, देखिए। और सोयाबीन प्रोटीन आइसोलेट जो इसमें है, वे प्रोटीन है कॉन्सेंट्रेट, जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जिसमें वे प्रोटीन अलग 3 टाइप के जो रहते हैं, तो उसमें वे क्वेश्चन को आपको कॉन्सेंट्रेट जो रहता है कि 64 या 65 किलो सोयाबीन से उसका जो अच्छा शरीर को है वो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका 1 किलो आइसोमर या कॉन्सेंट्रेट बनाया रहता है, जिसके वजह से वो पूरे शरीर में न्यूट्रिशन पैदा करता है, उसके कॉम्प्लिकेशन भी कुछ रहते तो नहीं होते। तो मैंने बोला था पीडी क्या स्कोर रहता है, जिसका मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर वो 1 रहता है, जो सबसे जबरदस्त रहता है उसका, और वही को ये हमारा इसका 1 है, तो इसलिए वो इंटरनेशनली जो रहता है। दूसरा जो 1 रहता है वो 1 का रहता है, तो वो जो सबसे बढ़िया नेचुरल जो फॉर्म में बना है उसकी वजह से वर्ल्ड नंबर 1 इसको ब्रेकफास्ट किया जाता है। तो दूसरा प्रोटीन जो लोग व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, ज्यादा करके उनको प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, तो मसल जिसको बढ़ाने का है तो वो ये शेक में या अपना हर बार एक रिबिल स्ट्रेंथ जो है वो ले सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें अच्छे तरीके से मसल गेन करने में भी मदद हो जाती है, और ज्यादा ज्यादा करके हमें अच्छा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का इसमें से कॉम्बिनेशन मिलता है, तो हमें अच्छा एनर्जी शरीर में मिलता है डे टू डे लाइफ के लिए। देखिए हमारे शरीर से प्रोटीन का ही जो पार्ट है उससे स्किन बनता है, स्किन से नेल्स बनते हैं, हेयर्स अच्छी तरह से बनते हैं, और जो जो कान जो कार्टिलेजेस रहते हैं वो जो बनते हैं, तो उसमें जो भी हमें रहता है कि जिसमें हम बोलते हैं कि कोलेजन, कोलेजन से ये सब बनते रहते हैं, तो कोलेजन किसमें, तो स्किन बूस्टर में ज्यादा करके अपने इसमें, तो जो भी हमारे स्किन पार्टिसिपेशन जो रहते हैं वो स्किन बूस्टर ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन दिन में एक बार अगर हम स्किन बूस्टर लेते हैं तो कोलेजन हमारे शरीर में अच्छी तरह से जाता है, उसमें विटामिन सी, B2, B6, B3, बायोटिन ये भी सब जाते हैं ना, उसकी वजह से जो हमारे शरीर में पूरे ऑर्गन जो रहते हैं वो अच्छी तरीके से कम हो जाते हैं। देखिए इज द ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक मेक्स एट 25-30% ऑफ प्रोटीन्स, इससे ही बनता है, एज मच एज 70-80% ऑफ द प्रोटीन इन यूर स्किन में ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है, तो उसकी वजह से ये कोलेजन से नेल्स, मसल, ज्वाइंट, बोन्स, हेयर्स और स्किन अच्छी बनती है, और हमारे शरीर में जो भी स्ट्रेंथनिंग है ये सबको रहता है। कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, वो सेंसरी ऑर्गन है कि जो हमारे कान, नाक, डोले, आंख, जबान जैसे है वैसे स्किन है कि जो सेंसरी ऑर्गन है कि जो हमें ज्ञान इंद्रिय हम बोलते हैं, तो उसको स्ट्रांग और फिट एंड फाइन बनाने का रहता है, तो ये कोलेजिन और स्किन बूस्टर हमारा यूज करता है। कि स्किन जो है वो खाली अलग नहीं है, जैसे दूध की साय रहती है वैसे हमारे पूरे जो सप्त धातु रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, उसका जो होने के बाद जो स्किन हमारे शरीर पर रहती है, जैसे दूध अच्छा रहता है तो साय अच्छी बनती है, तो वैसे हमारा शरीर पूरा स्ट्रांग होने के बाद ही स्किन हमारे सुधरती है। तो इसलिए जब हम स्पा में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो 2-4 दिन अच्छे लगेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से स्किन चैलेंज में से हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक बना के और पूरा स्किन अच्छा करके लाते हैं तो जिंदगी भर हमें अच्छी रहती है। तो यही है, तो लास्ट स्लाइड है, पोर्शनाइज्ड प्रोटीन पाउडर जो रहता है, तो वेल नोन हाई क्वालिटी हेल्थ सपोर्टिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, दिस प्रोडक्ट गिव्स कंज्यूमर अ प्रोटीन सप्लीमेंट टू बेटर कस्टमाइज, जैसे बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन ब्लेंड इन सोसाइटी, जैसे बोलते हैं ना मेंटेन एनर्जी लेवल बिटवीन मील्स एंड हेल्प्स टू मेंटेन अ लीन मसल मास। तो इस तरह से हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, अगर ये हम हमारा शेक लेते हैं तो उसमें 3 out of 5 मॉडल जो इंटरनेशनली बोला था कि ये रहना चाहिए, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, उसमें अच्छे तरीके से गुड फैट भी चाहिए, तो ये सब कुछ जो, और डेयरी प्रोडक्ट भी चाहिए, तो इसमें सभी आता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पहले आवर में जो उसमें का शुगर, जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो अच्छे तरह से यूज होता है, फिर बाद में 2-3 आवर्स में उसमें का प्रोटीन अच्छी तरह से यूज होता है, और जो 3 आवर से लेके 4 आवर तक जो हमें सपोर्ट मिलता है उसमें जो अच्छी तरीके से जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से लेके अनसैचुरेटेड फैट जो उसमें अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन किया है वो
यूज करता है, इसलिए ये लेने के बाद 1 से 4 घंटे तक हमें अच्छे तरीके से क्रेविंग नहीं होती, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, 114 प्रकार के घटक जो हमारे सेल को लगते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है। तो ये सबसे बढ़िया प्रोटीन है रहता है, हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन प्रोवाइड्स बेनिफिट दैट गो बियॉन्ड मसल एंड मेक्स इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग अक्रॉस द लाइफ स्पैन। हमारे लाइफ स्पैन के लिए ये खाली मसल का ही काम नहीं करता है बिल का, तो ये ओवरऑल वेलबींग जो बोलते हैं हमें कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि देते, वैसे जैसे रहता है कि स्वास्थ्य की व्याख्या जैसे रहती है समधातु सम दोषा सम अग्निश्चय मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि देते, ये पूरा स्वास्थ्य जो रहता है हमारा कि वो हमें इससे मिलता है कि जिसके सोशल से लेके हमारा सब जो भी रहता है फिजिकल मेंटल और ये सब तो इससे मिल जाता है। तो ये प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है आपने देखा है और जो हमारे शेक में इजीली हमें अवेलेबल होता है। तो थैंक यू, ये था मेरी तरफ से, अगर किसी के कोई क्वेश्चन रहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू माय मेंटर्स। वाओ सर, बहुत ही अच्छा आपने नॉलेज डिलीवर किया है प्रोटीन के बारे में, और आज सब प्रोटीन तो लेते हैं लेकिन प्रोटीन कैसे लेना है और क्या लेना है ये बहुत अच्छे से आपने बताया है। और शायद ही आज मुझे लगता है किसी को कोई क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि इतना डीपली सर ने बताया है कि हम क्या ले और ये प्रोटीन आपको किस तरह से जल्दी से डाइजेशन हो जाता है जब आप पहले लेते थे, और जो नॉनवेज लोग खाते थे वो डाइजेशन नहीं होता था, और बहुत बार ऐसा होता था कि ज्यादातर लोग नाइट में ही खाते हैं ज्यादा, और नॉनवेज भी ज्यादा खाते हैं तो वो बिल्कुल भी आपका डाइजेशन नहीं होता है। और ये जो हमारा प्रोटीन है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेशन होके आपके सभी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और मसल्स भी आपके बढ़ते हैं, और दूसरी बात हम उससे वेट लॉस भी करते हैं, ये सही बड़ी बात है, और वेट गेन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिलीवर किया है सर आपने, थैंक यू सो मच सर। और अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर से। यस, मैं पहले थैंक यू कहूंगा इस फोरम के जो हमारे हर्षद सर और बागेश्वरी मैडम है कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि प्रोटीन आप लेना है, उसकी वजह से मैं उनका पहले धन्यवाद व्यक्त करूंगा। थोड़ा गड़बड़ हुई, कुछ स्लाइड मुझे और ऐड करने के थे और कुछ रहे भी, तो लेकिन अच्छे तरीके से मैंने आपको ये ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश किया। तो किसको कोई प्रश्न है तो हमारे जो मेंटर है हर्षद सर भी ऑनलाइन है, बाकी के डॉक्टर टीम भी है और मैं भी हूँ, तो आपको अच्छी तरह से हम गाइड कर सकते हैं। थैंक यू। यस सर, रियली रियली अमेजिंग सेशन, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस फोरम, और बिल्कुल भी चांस कोई किसी ने भी वेस्ट नहीं करना है, इतने इंफॉर्मेटिव आज का सेशन था। अगर माइंड में कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछिए, हो सकता है आपके वजह से अगर आप कोई सवाल पूछते हो तो आपके वजह से कम 10 से 12 लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। वैसे तो आनंद सर इतने सुलझे हुए खुद इंसान है कि वो सारी चीजें समझा कर और स्लाइड्स के द्वारा ही बताते हैं, लेकिन फिर भी यस, श्रेया मैम ने हैंड रेज किया है। यस श्रेया मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ने सुना होगा सर ने छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से हमें बताया डिटेल में। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जब प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का बॉडी में ऑब्जर्वेशन मतलब एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, इसलिए फाइबर लेते हैं ऐसे मैंने सुना था, तो क्या ये सही है? और उसका कई कई बार ऐसे होता है कि लोग फाइबर मिस करते हैं और सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, तो उसका कुछ मतलब एब्जॉर्प्शन कम होगा वैसे कुछ होता है क्या? वो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी जी। अभी देखिए कि क्या होता है कि जब ओवरवेट रहते हैं लोग तो शरीर में सब सेल के ऊपर फैट जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल की और सबकी जो सेंसिटिविटी रहती है वो कम होती रहती है, कि जब ओवरवेट हम होते हैं तो बॉडी फैट भी बढ़ता है और उसके साथ जो हमारा लीवर का जो फैट रहता है, जो बाकी ऑर्गन का भी फैट रहता है, जो हमारे जो गट्स रहते हैं पूरे इंटेस्टाइन जो रहती है उसके ऊपर भी फैट रहता है,
तो क्या होता है कि उसकी वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाती है और लीवर के ऊपर, समझो लीवर का काम क्या है कि जो खाने के बाद जो पहला पाचन इंद्रिय जो रहता है हमारा लीवर रहता है, उससे भी जो बाइल जूस सिक्रेट होता है, फिर बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, फिर बाद में जो हमारा पैनक्रियाज रहता है उससे कुछ पेप्टाइड्स वगैरह बाकी चीजें सिक्रेट होते हैं, तो उससे वो खाना अच्छा मिक्सिंग होके डाइजेशन होके फिर बाद में आगे चल के उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे तरीके से होके पूरे बॉडी को वो अच्छा लगता है। यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही अपना जैसे पेड़ का मूल रहता है रूट्स, वैसे हमारा वो काम करता है, जिसका डाइजेशन अच्छा उसका ये पूरा शरीर अच्छा। तो क्या होता है कि ओवरवेट पेशेंट जो हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं, तो उसमें अगर शेक में हम एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड जो टैबलेट रहती है हमारे फाइबर की, वो अगर हम लेते हैं शेक में या सेपरेट में भी, तो क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है शरीर में, जो LDL रहता है और जो भी सेल के ऊपर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल रहता है, फैट रहता है, वो सब बाहर निकल के जाने में मदद हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि एसिड सिक्रेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है, वो ऑर्गन अच्छी तरीके से काम करता है, बाइल सिक्रेशन अच्छा होने के वजह से जो एंजाइम रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो अच्छे सिक्रेट होते हैं और अच्छा न्यूट्रिशन अच्छा पोषण हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिल जाता है। और कहीं पर भी बॉडी में जो हमारे बालों के जैसे मैक्रो सर्कुलेशन जो रहते हैं, वहीं पे भी ये जो हमारे विसरल फैट, बॉडी फैट, जो सबक्यूटेनस फैट, अलग अलग जो फैट रहते हैं वो खींच के बाहर निकालने का काम ये फाइबर करता है। और जिसकी वजह से जब बाहर बुराई जाती है तो अच्छाई वहां की जगह ले लेती है। तो उसकी वजह से ज्यादा करके जो भी नॉर्मल वेट से आगे है या साधारण नॉर्मल वेट के है वो इसका यूज कर सकते हैं और इसका फायदा ज्यादा करके होता है। आप सही बोल, थैंक यू। और डाइजेशन सुधारने के लिए हमारे यहाँ पे जैसे हम सुबह में अफ्रेश लेते हैं, तो अफ्रेश में जो हमारा अलो कॉन्सेंट्रेटेड जो है मिक्स, तो ये जो है वो हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेटेड जो अपना है वो उसमें एक दो टक्कन डाल के भी आप लेंगे तो अच्छे तरीके से जो भी है हमारा गैस्ट्रिक वो बहुत अच्छा सूदिंग अच्छा रहता है। अगर ये नहीं चाहिए तो भी हमारा एलो प्लस बोल के जो कैप्सूल मिलता है वो भी हम ऑपरेशन में डाल के हम लेंगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हमारा काम करता है। फिर बाद में फोरम पे व्यायाम होने के बाद जब हमारे पूरे सेल तक जो भी सर्कुलेशन हमारे अच्छे हो जाते हैं, सेल पूरा सेंसिटिव हो जाता है, फिर बाद में जब हमारा अच्छा न्यूट्रिशन जाता है तो पूरे सेल तक पहुंचाने में पहले का ऑफ्रेश और जो हम लेते हैं एलो कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत अच्छा काम करता है। तो न्यूट्रिशन भी होता है और फाइबर लेने की वजह से मोशन बाहर आके जो हमारा बैड जो है टॉक्सिन जो हमारे शरीर में रहते हैं, डिटॉक्स जो हमारे बॉडी करती है, तो वो सब बाहर निकालने में फाइबर मदद करता है। तो उसकी वजह से हमारा अच्छा सेल निर्माण होता है, अच्छा टिश्यू निर्माण होता है, अच्छा ऑर्गन निर्माण होता है। जब हमारे ऑर्गन सक्षम होते हैं तो उनके फंक्शन अच्छे काम करते हैं और उसी ऑर्गन के फंक्शन पे हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम अवलंबन रहता है। ऑर्गन अच्छे तो हमारा शरीर बॉडी अच्छा और हम ज्यादा दिन तक फिट फाइन और हेल्दी रह सकते हैं। यस श्रेया मैडम, आप ही आपने क्वेश्चन पूछा है और आप एक बड़े वेलनेस कोच हो तो आपको भी कुछ तो अलग पता रहेगा। आप भी अगर हम दो शब्द इसमें वैल्यू डिलीवर कर सकेंगे तो हमें भी उसका फायदा हो सकेगा और मैं आपसे भी सीख सकता हूँ। यस सर, हाँ डेफिनेटली। मैंने ये क्वेश्चन पूछने का मेरा ये था कि मैंने जब करडा स्कैन पे पिछले मंथ का मेरा रीडिंग लिया था तो उसमें मेरा मसल्स मैंने मेंशन भी किया था कि मेरा प्रोटीन का इंटेक मैंने बढ़ाया और एक्सरसाइज बढ़ाया था तो मेरा मसल काउंट ज्यादा आया था। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि पिछले मंथ में मैंने फाइबर का इंटेक मेरा कम हुआ, ऑटोमेटिकली कम हुआ। मतलब उसका कारण ये था कि मतलब जो बारिश का सीजन अभी स्टार्ट हुआ है तो रॉ फॉर्म में मैंने फाइबर कम लिया और उसके साथ प्रोटीन तो चालू था तो मुझे ऐसा लगा कि वो शरीर मेरा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी कम किया था नॉर्मल रेंज से। मतलब पहले जैसे टारगेटेड में एक्सरसाइज करती थी मगर अभी इस मंथ का मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे ये पाया कि मैंने एक्सरसाइज कम किया है, फाइबर कम लिया है और सिर्फ प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखा है तो मेरा बेनिफिट जो था वो कम हुआ। मतलब ऐसे कि मसल रेट थोड़ा डाउन हुआ और उसके साथ बॉडी फैट मेरा ज्यादा था। तो अभी मैं फिर से एक मंथ का चैलेंज मेरे खुद के लिए ले रही हूँ
और मैं फाइबर इंटेक बढ़ा के प्रोटीन का वही इंटेक रख के एक्सरसाइज बढ़ा के मैं अभी देखना चाहती हूँ कि मेरा मसल फिर से मेरा गेन होता है या नहीं, तो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। यस यस, थैंक यू। अभी मैं जो हमारे बड़े वेलनेस कोच है, जो खुद बड़े प्राध्यापक है नागपुर में एक बड़े कॉलेज को, वो मेरे जैसे ही स्टूडेंट को सिखाते हैं, तो पहले उनको इनवाइट करने से पहले, उनका ऑनमिट करने से पहले मैं कहूंगा कि आज दोनों भी थे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लेकिन मैडम ने मुझे चांस दिया चलो स्टूडेंट फर्स्ट बोल के, तो उनका भी मैं इसलिए पहले धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने फोरम पे जो भी अच्छे लोग हैं उनको अच्छा समझ में आना चाहिए, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हम एक साथ रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और फास्ट होने की वजह से लोगों को जो भी कुछ अच्छा नॉलेज डिलीवर होना चाहिए वो नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर आनंद सर आप पहले लीजिए, मैं फिर बाद में दो दिन के बाद लूंगी, ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए मैं ये वैल्यू आपको डिलीवर कर सका, तो उनको मैं धन्यवाद पहले कहूंगा और वही मैडम को मैं आमंत्रित करूंगा। थैंक यू मैडम। हेलो, आवाज येतो का सर? येतो मैम, बोला। गुड मॉर्निंग ऑल, सरांचं प्रोटीनचं सेशन बहुत ही अच्छा हुआ, और एक मेरी क्वेरी है जो सबके लिए भी यूजफुल हो सकती है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे रहते हैं अपने यहाँ पे कि जो शेक लेने के बाद यानी उनको बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है, तो मेरे ख्याल से वो प्रोटीन इंटेक की वजह से ही होता है या और कुछ रीजन हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो बॉडी है वो अलग अलग है ना, जैसे हम शुरुआत में फॉर्मूला वन और अपना प्रोटीन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ये दो ही रिकमेंड करते हैं उनको लेने के लिए, तो मेरे एक कंज्यूमर है उन्होंने जब भी शेक स्टार्ट किया उस समय उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द और लूज मोशंस का उसका प्रॉब्लम दिखा है, और सिर्फ मैंने फिर एक बार उसको अपना प्रोबायोटिक ऐड करके दिया तो तब उसको लूज मोशंस नहीं लगे या जो पेट दर्द का प्रॉब्लम था वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो डर की वजह से लेने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं, तो सर इसके लिए हम आप कुछ गाइड करेंगे प्लीज। यस, इसमें क्या होता है कि जो अपना सोयाबीन से प्रोटीन रहता है उसमें सोया प्रोटीन, तो उसके वजह से किसी किसी को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या थोड़ा सा वोमिटिंग सेंसेशन बाकी का ये होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नया कोई भी चीज अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो शरीर उसको लेने में या उसके साथ फेमिलियर होने में कुछ दिन जाते हैं, और पहले जो हमारा एक 10 दिन या 15 दिन जब हम जो देते हैं तो उसमें क्लिनजिंग प्रोग्राम हमारी बॉडी करती रहती है कि कैसा, एक तो ओवरवेट होने के वजह से शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बैठे रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत अच्छी चीज आई कि कौन सी भी समझो सुबह में पेट में उठना हो तो हमारा मन या बॉडी नहीं करता नहीं उठने का है मुझे, तो धीरे धीरे आदत लगती है, तो वैसे भी हमारे जो शरीर रहता है उसमें के जो टॉक्सिन्स है वो पहले छोड़ देता है बॉडी, और वो अडॉप्ट करने में थोड़ा तकलीफ किसी किसी को होती है, हर एक को नहीं होती, यानी मैं बोलूंगा कि 100 में से 2 या 3 आदमी को या फैमिली मेंबर को ऐसी तकलीफ होती है बरोबर, लेकिन हमने क्या किया उनको कि पहले उनको फॉर्मूला वन और शेक मिट शुरू करा, फिर बाद में धीरे धीरे उसकी ये बढ़ाई, फिर बाद में थोड़ा सा प्रोटीन आधा चम्मच बढ़ाया, फिर ऐसा होने के बाद एक 15 दिन के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से उसने अडॉप्ट कर दिया वो, और अच्छा उनको रिजल्ट मिलने लग गया, और उसके साथ 15 दिन के बाद वो तो SMS प्रोग्राम में पे आ गए, फिर बाद में उनको थोड़ा बहुत लूज मोशन होता था और ये भी होता था, लेकिन उनको समझ में आया कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है या शरीर में बढ़े वाला फैट है वो कहीं से तो निकल जा रहा है, उसको कहीं से तो जैसा शरीर में जब कम होना चाहते तो एक तो वोमिटिंग से या स्वेटिंग से या लूज मोशन से या यूरिन मोशन से, ये 4 ही चीजों से हमें इसको बाहर निकालना पड़ता है, वो अपने आप तो ये नहीं होता वो कम, तो वैसे ही बॉडी को न्यूट्रिशन जब बाहर टॉक्सिन्स जाते हैं तभी न्यूट्रिशन अंदर जाता है और हमारे शरीर को पोषण देता है, तो कभी कभी समझो ये तकलीफ ज्यादा हो रही तो आपने इसमें जो सिंपली प्रोबायोटिक्स है उनका हमने ज्यादा यूज हमने किया है शेक में, सिंपली प्रोबायोटिक हमने डाल के उनको दे दिया तो उनका प्रॉब्लम दूर हो गया, धीरे धीरे एक सैचेट से हमने आधा सैचेट किया पाव सैचेट किया, फिर बाद में सिंपली प्रोबायोटिक बंद कर दिया, फिर शेक पे वो कंटिन्यू हो रहे, जैसे क्रमेण पाचिता दोषा क्रमेण उपजिता गुनाहा, वैसे ही वो धीरे धीरे हमें वो अडॉप्ट करने की आदत हमारी बॉडी को लगती है, लेकिन ये थोड़ा सा पहले तकलीफ हुई तो हम छोड़ते नहीं,
हर एक नए चीज और अच्छी चीज अडॉप्ट करते हैं तब हमें तकलीफ होती रहती है, किसी को ये तकलीफ थोड़ा बहुत रहता है। जैसे हमारे फोरम के डॉक्टर विनया मैडम थे कि पहले उन्होंने लिया और बाद बाजू में रख दिया, उनको पसंद नहीं हुआ, 10 दिन उनको तकलीफ होती थी, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से उनको अडॉप्ट करके अभी वो SMS प्रोग्राम लेके बहुत अच्छी तरीके से फिट एंड फाइन अपना लाइफस्टाइल गुजार रही है। थैंक यू मैडम। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसा कुछ रिजल्ट पहले 1-2 दिन में आ जाए ना, तो वो लोगों का ना एक डर बैठ जाता है मन में। ऐसे एक हमारे कंज्यूमर है जो हमारे कॉलेज से ही है, वो भी डॉक्टर है मैम, उन्होंने एक दिन फर्स्ट टाइम शेक लिया तो मुझे पता है, मैंने इससे पूछा दोपहर में, तो बोले मैम खूब मड़मड़ वाटता है। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा होता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या हो कि दूसरे दिन इन द मॉर्निंग यानी 5 o'clock उसको जितनी बहुत सारी उल्टी हुई, बोले फिर उसके बाद डर के मारे उसने लिया ही नहीं। फिर कैसा थोड़ा सा हमारा फॉलोअप लेने में हम चुक गए, तो फिर अभी कल मैंने एक ऐसे ही छोटा सा मीटिंग लिया था जूम में, वहां पता चला कि उन्होंने फिर बाद में लिया ही नहीं, यानी 6 दिन बंद ही रख दिया। तो इससे क्या होता है कि उनका प्रॉपर क्लींजिंग हो ही नहीं पाता, क्योंकि 1 दिन लेते फिर ब्रेक लेते, फिर 1 दिन लेते फिर ब्रेक लेते, तो प्रॉपर क्लींजिंग के लिए उतने दिन उन्होंने कंज्यूम करना ही चाहिए, 10 दिन तक जैसे हम उन्होंने दिया है टाइम पीरियड। तो सर ये थोड़ा सा जो फियर है वो मन से निकलना चाहिए, है ना, तो उसके लिए अभी क्या करें? इसके लिए यही करना पड़ेगा मैडम कि आपने तो सब लिया है तो उसकी वजह से पहले थोड़ा सा छोटा कप आप लीजिए, उनको बोलो, फिर बाद में लगा तो सुबह में नहीं, शाम में इवनिंग के टाइम 7 बजे लो, जो स्नैकिंग होता है आपको, तो घर आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा थोड़ा पियो शाम के टाइम, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा करते करते उनको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। फिर बात यानी शुरुआत में क्वांटिटी कम रखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, पहले क्वांटिटी कम पतला, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसा करके और उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले होने के बाद 4-5 दिन उनको रोक दो, नहीं तो उनके पीछे भी हम पड़ेंगे तो मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने बिल्कुल, थैंक यू सर। यस सर, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ मैम। यस यस, तो मतलब पेट का कुछ प्रॉब्लम है उनको, डाइजेशन का इश्यू है क्या, ऐसे पहले पूछ लेना चाहिए। अगर ऐसा उनको प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेशन का इश्यू है, ऐसे हमें पहले ही पता चला, तो स्टार्टिंग में ही उनको फॉर्मूला 1 और प्रोटीन पाउडर जो है वो हम 1 ही चमचा दे सकते हैं, और शेकमेट भी 1 ही चमचा दे सकते हैं जिनको डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है, और उनको प्रोबायोटिक शुरू से ऐड कर सकते हैं मैम। तो हिस्ट्री यहाँ पे बहुत ही मायने लगती है, तो हिस्ट्री अगर प्रॉपरली ली जाए पहले ही तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आए तो भी फिर बाद में उनको थोड़ा सा वो मतलब फ्लेवर भी चेंज करके थोड़ा उनको पॉजिटिव माइंडसेट से ये करना पड़ेगा। मैम कैसे होता है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट वाइज ना लोग उतना रेडी नहीं रहते कि एक साथ बहुत ज्यादा पे करें। जैसे मैंने ले रही थी तो मेरे पास में ऑलरेडी प्रोबायोटिक था, तो मेरे डिपार्टमेंट के मैडम है, फिर मैंने उनको खुद से 2 सैचेट दिए, मैं बोली ये लेके दे कैसा लगता है, तो उसने वो लेने के बाद उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फिर से तीसरे दिन उसने कंज्यूम ही नहीं करा। तो वो एक थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि वो लोग उतने ज्यादा विलिंग नहीं है लेने के लिए, ये भी होता है, तो हमको ही उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और वैसे शेकमेट्स शुरुआत में हम ऐड करते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर दे देंगे तो लेने का भी प्रॉब्लम आता है। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस, क्योंकि हमको बहुत आवश्यकता है आपके गाइडेंस की, थैंक यू सो मच। यस यस, और दूसरा इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उनके जो मैडम है सौभाग्यवती है, यस, वो बारिश की वजह से क्या होता है, आ रहा है आवाज सर? यस यस, तो बारिश की वजह से यहाँ पे ऐसा होता रहता है, और अभी मेरी बीबी बोली ना उसकी वजह से ये भी डर गया, उसकी वजह से सब होता रहता है। तो ये कहना चाहूंगा मैं, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके जो सौभाग्यवती है उनको आप अगर बोलेंगे, उनको विश्वास मिलेंगे कि धीरे धीरे उनको ये शुरू करें,
तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें प्रभाव आ सकता है। जैसे मेरा भी, मैं बोलता था कि मैं जब पहले जिम में जाता था, घर में आता था तो मैं ये पीता नहीं था। मेरा जिम का जो रहता था वो डब्बा बड़ा इधर रहता था, वो बहुत लगता था खाने को। लेकिन बाद में मुझे इसमें आने के बाद पता चला कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है जिसमें शुगर ज्यादा रहने की वजह से मीठा मीठा लगता था, अच्छा लगता था पीने के बाद। तो ये, लेकिन हमारी बीवी क्या बोलती थी, देखो ये मैंने शेक किया है, ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, पीने का तो पियो नहीं तो जाओ। फिर मैंने शुरू किया, अडाप्ट हो गया, अभी तो मुझे वही चाहिए, दूसरा कुछ दिया तो मैं बाजू में रखता हूँ और मैं खाली न्यूट्रिशन ही लेता हूँ। जब तक उसका महत्व नहीं समझ में आता, जैसे बच्चे को पहले स्कूल में जाओ बोले तो जाता नहीं, उसको जैसे 2 बरस लॉकडाउन में घर में रहने के बाद अगर बच्चा जाने का स्कूल में शुरू हो गया तो उसके दिमाग पे भी असर पड़ने लगा था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए थे कि देखो बच्चा स्कूल जा रहा नहीं, जाने के बाद बीमार पड़ रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन आ रहा है। तो थोड़ा बहुत वैसे हो सकता है, आदत लगते लगते अभी खुद शुरू हो जाता है, वैसे ही ये हो जाएगा मैडम। सर इसमें और एक मुझे पूछना है, जैसे रिबिल्ड आपके पास में रखा हुआ है सर, उसके कंटेंट जब मैंने देखे तो उस रिबिल्ड में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स 18 ग्राम दिया गया है, है ना, जो भी सैचेट है उसके अंदर, यस, यस। और प्रोटीन 24 ग्राम है। एक्चुअल मेरा बेटा जो है कि उसने मुझे बताया कि मम्मी इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण ज्यादा है और मुझे मसल्स बनाने हैं, तो मेरे को कार्बोहाइड्रेट तो वैसे भी अपने शरीर में अपन खाने से लेते ही है, तो हम लोगों ने वो रिबिल्ड यूज करना चाहिए कि सिर्फ अपना जो पर्सनलाइज प्रोटीन है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स 0.14 ग्राम बहुत ही निग्लिजिबल है। तो थोड़ा सा सर आप इसके भी बारे में गाइड करेंगे, जिनको मसल बिल्ड करना है तो उनको हेल्प होंगी सर। अभी कैसा है कि मैं बोलता था ना कि उधर का जो प्रोटीन है बहुत मीठा लगता था, और मैं क्या करता हूँ कि जब अपने फोरम का होने के बाद भी मैं जिम में जाता हूँ, अभी भी मेरा हेवी वर्कआउट पहले से भी मुझे अच्छा लगता है इसकी वजह से। तो मैं जब जाता हूँ तो रिबिल्ड स्ट्रेंथ तो जाते टाइम सुबह में तो फोरम पे रहता है कि अफ्रेश लेते हैं, अफ्रेश में अपना एलो कॉन्सेंट्रेटर 2 डाल के हम लेते लेते व्यायाम करते पूरा ये हो जाता है। लेकिन जब मैं आगे जाता हूँ व्यायाम के लिए तो रिबिल्ड स्ट्रेंथ और उसमें थोड़ा मीठा लगने के लिए और अच्छा, तो अपना जो हाइड्रेट है वो थोड़ा सा मैं उसमें डालता हूँ मिक्सिंग करके, तो और उसमें थोड़ा सा अपना नाइटवर्क भी मैं डालता हूँ थोड़ा बहुत उसमें, और ये सब लेते लेते मैं वहां पे जिम का व्यायाम करता हूँ। आने के बाद फिर न्यूट्रिशन में लेता हूँ। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट लगना ही लगना है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं, जब न्यूट्रिशन लेते हैं, तो फर्स्ट जो थिंग है हमारे शरीर को लगने वाली प्रोटीन नहीं, एनर्जी देती, क्या देता है पहले कार्बोहाइड्रेट देता है, फिर बाद में वो फैट से निकाल लेता है, फिर बाद में प्रोटीन पे जाता है। प्रोटीन का काम है मसल बिल्डिंग ब्लॉक और बाकी का जो हमारे सेल का मरम्मत करना और बाद में न्यूट्रिशन लाना। तो कार्बोहाइड्रेट ही हमें चाहिए, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है गुड कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी वजह से वो शरीर को एनर्जी पैदा करता है, और जो हमारे सुबह में हम लेते हैं तो पूरे दिन की जो एनर्जी है तो वही कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। तो बैड कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं है, जैसे कि शक्कर है, चाय के कार्बोहाइड्रेट है, चॉकलेट के कार्बोहाइड्रेट है, वैसे नहीं है। आइसक्रीम की कार्बोहाइड्रेट जो रहती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो वैसे ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो हमारे बॉडी को मसल को अच्छे तरीके से और एनर्जी दिन भर रहे, ऐसा लगता है। यस, एक बार नॉलेज किसी प्रकार की यूटिलाइज हम कर सकते हैं। यस, थैंक यू। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग डिलीवरिंग दिस नॉलेज। और क्या होता है कि दिन भर हमारे मैडम का सुन सुन के मुझे टेंशन आता है, तो रात में मैं वो ब्रेन हेल्थ भी एक लेके सोता हूँ, जब भी मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। सबने लेना चाहिए वैसे ब्रेन हेल्थ, है ना सर? अरे बाबा, तो लेडीज ने भी लेना चाहिए। हाँ, सभी ने लेना चाहिए, उलट लेडीज ने ज्यादा लेना चाहिए। हाँ, शादीशुदा पुरुषों के लिए बनाया गया है ब्रेन हेल्थ। क्यों, मेमोरी लॉस हो जाती है सर शादीशुदा लोगों की? मेमोरी हैंग हो जाती है। और उसके साथ हर्बल लाइफलाइन भी एक आधी मैं लेता हूँ, जो सुबह शाम। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस, शिल्पा मैम कंटिन्यू। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे निर्मला मैम ने और श्रेया मैम ने, जिससे बहुत जनों का जो कोई भी क्वेश्चन था मन में जो नहीं बोल सकते थे, या फिर उनके आंसर भी बहुत अच्छे से मिल गए हैं सबको। बहुत सर ने, सर और मैम ने बराबर से उन क्वेश्चन का आंसर दिया है। यस, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। कोई है?
क्वेश्चन पूछेगा। यस सर, इतने अच्छी तरह से छोटी छोटी बातें समझाते हैं कि शायद ही किसी के माइंड में कुछ सवाल रहता है। एनीवेज तो इतना बढ़िया सेशन हुआ है आनंद सर का, तो हम हमारे यूनिक स्टाइल में उनको थैंक्स देंगे एक बार। बराबर है, थैंक्स तो बनता है ना सर को देने के लिए। बराबर है एकदम। यस, तो एक ही मिनट रुकना है, सबने रेडी रहना है। थैंक्स तो डॉक्टर निर्मला मैडम का भी है, हर्षित सर का भी है, शिल्पा मैडम का भी है, और हमारे बीबी का भी है, नहीं तो आओगे। अरे पर सेशन चल रहा था तब हमने पेशेंट चेक किए, तो हमारा भी है। हाँ देखिए, अभी फोरम पे झगड़े शुरू हो जाएंगे तो आपको मिटाना पड़ेगा, उसकी वजह से हम यस एक ही मिनट। सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंहवरस्तथा Thank you once again. See you all tomorrow morning. सवेरे मिलते हैं हमारे फिट आवर में। तब तक have a lovely night. Good night. Bye bye.